वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फंजाई एगेरिकस के बारे में। फंजाई के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फंजाई डिस्कस कर चुके हैं, जनरल करेक्टर क्या होते हैं फंजाई के, क्लासिफिकेशन कैसे होती है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है फंजाई की। फंजाई की डिफरेंट डिफरेंट फंजाई के अंदर हम फाइटोपथोरा डिस्कस कर चुके हैं, म्यूकर एंड राइजोपरा डिस्कस कर चुके हैं, इसके अलावा पेनिसिलियम पक्सिनिया के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एगेरिकस जो है फंजाई के अंदर लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लाइकेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपके सिलेबस में कोई और टॉपिक भी रहता है फंजाई के अंदर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वो भी हम कवर कर लेंगे। नोट्स जो है इसके टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लिंक से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं एंड नोट्स वहां से एक्सेस कर सकते हैं। एंड जो भी वीडियोस अब तक हमने की हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो अगर एगेरिकस की हम बात करें, एगेरिकस जो होती है सबसे फर्स्ट इसकी सिस्टमेटिक पोजिशन क्या होती है। सिस्टमेटिक पोजिशन के अंदर किंगडम इसका फंजाई होता है, डिवीजन इसकी माइसिटी होती है, सब डिवीजन इसकी बेसिडियो माइकोटीना होती है, क्लास इसकी बेसिडियोमाइसीट्स होती है, सब क्लास इसकी होमोबेसिडियोमाइसिटिडी होती है, ऑर्डर इसका एगेरिकेल्स होता है, फैमिली इसकी एगेरिकेसी होती है, टाइप इसका हो गया एगेरिकस, यानी अलग अलग स्पीसीज भी होगी इसकी। ठीक है, तो ये इसकी सिस्टमेटिक पोजिशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम इसमें इंपॉर्टेंस देखें तो एगेरिकस की लाइफ साइकिल इसके अंदर पूछी जाती है एंड एक टर्म और आएगी यहाँ पे, फेरी रिंग बनती है इसके अंदर, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है ये जो फंजाई होती है एगेरिकस होती है एंड वो इंपॉर्टेंट है। ये दो टर्म्स, या एक तो इसकी लाइफ साइकिल, सेकेंड इसके अंदर फेरी रिंग बनती है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसकी अक्रेंस क्या क्या होगी, एगेरिकस की अक्रेंस के अंदर एगेरिकस कैम्प्रेस्टिस जो होती है जिसको फील्ड मशरूम बोलते हैं, ग्रोज इन ओपन फील्ड, ये ओपन फील्ड के अंदर मिल सकती है, अर्बन इनहेबिटेंट होती है ये, एंड फाउंड इन सिटी लॉस लॉन्स हो गया, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एज ए सैप्रोब। ठीक है, सैप्रोब कौन से होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं, तो ये सैप्रोब्स भी होते हैं, ये जैसे ग्रो करते हैं डिकेइंग लॉग्स के ऊपर, वुडन लॉग्स के ऊपर एंड मिन्योर पाइल्स हो गए, उन सब के सब चीजों के ऊपर ये ग्रो करते हैं, तो ये इसकी एक अकरेंस होगी। ये ओपन फील्ड के अंदर ग्रो करते हैं, अर्बन इनहेबिटेंट्स होते हैं, यानी अर्बन एरियाज के अंदर बहुत देखने को मिलते हैं, सिटी लॉन्स के अंदर देखने को मिलते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर एज ए सैप्रोब ये होते हैं, लाइक डिकेइंग लॉग हो सकती है, वुडन लॉग्स हो सकते हैं, मेन्योर पाइल्स हो सकते हैं, इनके ऊपर ये देखने को मिलती है, तो ये इसकी अकरेंस हो गई। देर आर अबाउट 17 स्पीसीज होती है इंडिया के अंदर, आल्सो नोन एज कुकुरमुता, टिंगरी एंड कुम, इनको एक कॉमन नेम से बोला जाता है। ठीक है, अबाउट 17 यहाँ पे इंडियन के अंदर इंडिया की स्पीसीज देखने को मिलती है, या फिर इंडिया के अंदर स्पीसीज देखने को। एगेरिकस कैम्प्रेस्टिस और एगेरिकस बिस्पोरा ग्रोन स्पीसीज एज इन एज एडिबल मशरूम, कई बार छोटे क्वेश्चंस के अंदर आ जाता है या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आ जाता है कि एडिबल मशरूम कौन से होते हैं। तो एडिबल मशरूम में एक तो हम बोल सकते हैं एगेरिकस हो गया, अगर अगर स्पीसीज पूछी हुई है, बिल्कुल स्पेसिफिकली स्पीसीज पूछी हुई है, तो यहाँ पे कैम्प्रेस्ट्रिस और बिस्पोरा जो स्पीसीज है एगेरिकस की, ये एडिबल मशरूम की तरह ग्रो करवाई जाती है। एगेरिकस सिलावेटिकस एंड जेंथोडर्मस ये हाईली पॉइजनस होती है। ठीक है, ये हाईली पॉइजनस स्पीसीज होती है एगेरिकस की। सम स्पीसीज लाइक आर्मिलेरिया और इस मेला जिसको हनी मशरूम बोलते हैं, कोज रूट रोट ऑफ एप्पल एंड अदर फॉरेस्ट ट्रीज। ठीक है, इनके अंदर क्या कर देते हैं, ये इनकी जो रूट्स होती है वहां पे ये एक डिजीज होती है रोट। ठीक है, रूट रोट कर देते हैं एप्पल्स के अंदर, तो ये क्या होगी यहाँ पे, ये इकोनॉमिकली जो एक तरह से हम बोल सकते क्रॉप्स है या फिर फॉरेस्ट ट्रीज है उनको हार्म भी पहुंचाती है। तो यहाँ पे अकरेंस के अंदर अगर हम देखें, ओपन फील्ड्स के अंदर होती है, अर्बन इनहेबिटेंट होती है ये, सिटी लॉन्स के अंदर देखने को मिलती है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करती है, इसलिए इनको सैप्रोप्स भी बोला जाता है, लाइक डिकेइंग लॉग्स हो गई, वुडन लॉग्स हो गई या फिर मेन्योर पाइल्स हो गई, उनके ऊपर ये देखने को मिलती है।
एंड इसकी एडिबल एज एडिबल स्पीसीज कौन कौन सी होती है एस्पेरिगस की, कैम्प्रेस्ट्रिस और बिस्फोरा जो स्पीसीज होती है ये एज एडिबल मशरूम की तरह उगाई जाती है। इसके अलावा कुछ पॉइजनस भी होती है लाइक सिलावेटिकस हो गई या फिर जेंथोडर्मस हो गई, ये स्पीसीज इसकी पॉइजनस होती हैं। एंड एक स्पीसीज है यहाँ पे जैसे कि आर्मिलेरियला मेला जिसको हनी मशरूम बोलते हैं, ये रूट रोट करती है एप्पल का या फिर कुछ अदर फॉरेस्ट ट्रीज का भी ये रूट रोट डिजीज कॉज करती है। इट ग्रोज इन बेस्ट इन मोस्ट सेडी प्लेसेस कॉमनली सीन इन रेनी सीजन, रेनी सीजन के अंदर हमें फ्रिक्वेंटली नजर आते हैं ये जो भी ओपन स्पेसेस या फिर लॉन्स होते हैं उनके अंदर फ्रिक्वेंटली नजर आते हैं। एंड तो ये मोइस्ट सेडी प्लेसेस के ऊपर ग्रो करती है, लाइक ये कुछ जो है यहाँ पे ये एगेरिकस की स्पीसीज देखने को मिल रही है। इसके बाद एगेरिकस का सोमेटिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सोमेटिक स्ट्रक्चर क्या होता है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। तो सोमेटिक स्ट्रक्चर के अंदर इसकी जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी फर्दर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड की जाती है, एक इसके अंदर होता है वेजिटेटिव माइसीलियम, सेकंड इसके अंदर होता है मशरूम प्रॉपर और इसको स्पोरोफोर और इसको बेसिडियोकार्प बोला जाता है। ये माइसीलियल थ्रेड्स हो गए यहाँ पे एंड ऊपर की तरफ ये होता है यहाँ पे बेसिडियोकार्प जो हम डिस्कस करेंगे। तो वेजिटेटिव माइसीलियम लिविंग इन द सोइल, ये क्या होता है, सोइल के अंदर होता है। एंड मशरूम प्रॉपर या फिर स्पोरोफोर या फिर बेसिडियोकार्प ये होता है द पोर्शन विच कम्स अबाउट द सोइल एंड बियर द स्पोर, ये जो पोर्शन होता है जो बाहर निकल के आता है, जो बाहर दिखता है हमें वो क्या होता है, उसको बेसिडियोकार्प या फिर मशरूम प्रॉपर या फिर स्पोरोफोर बोला जाता है जो कि फ्यूचर में स्पोर्स बियर करेगा, जो इसकी रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो प्लांट बॉडी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगी, इसके अंदर एक वेजिटेटिव माइसीलियम होगा जो कि अबाउट द ग्राउंड, जो कि बिलो द ग्राउंड होगा यानी कि अंडरग्राउंड होगा, सोइल के अंदर होगा। एंड सेकेंड इसके अंदर होगा मशरूम प्रॉपर या फिर स्पोरोफोर या फिर बेसिडियोकार्प, ये क्या होगा, ग्राउंड के अबाव होगा एंड ये स्पोर्स बियर करता है। इसके बाद नेक्स्ट इसके माइसीलियम की अगर हम बात करें, ठीक है, माइसीलियम होगा सबसे फर्स्ट, माइसीलियम के अंदर द प्राइमरी माइसीलियम इज फॉर्म्ड ड्यू टू जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोकार्प, बेसिडियोकार्प क्या होंगे, जैसे कि बेसिडियोकार्प से स्पोर्स वहां पे बनेंगे, तो बेसिडियोकार्प की जब जर्मिनेशन होगी उन जर्मिनेशन से यहाँ पे प्राइमरी माइसीलियम बनेगा। इट इज हैप्लोइड एंड आइदर ऑफ प्लस और माइनस स्ट्रेन, ये कैसा होता है, ये हैप्लोइड होता है एंड हैप्लोइड में भी प्लस और माइनस स्ट्रेन में से कौन सा भी हो सकता है। प्राइमरी माइसीलियम इज हाईलाइन, ये हाईलाइन होता है यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है, सेप्टेट होता है, सेप्टा इसके अंदर देखने को मिलते हैं एंड ये मोनोकैरियोटिक होता है। ठीक है, ये हमने बात कर ली, ये हैप्लोइड होता है या फिर ये मोनोकैरियोटिक होता है। यहाँ पे मोनोकैरियोटिक माइसीलियम देखने यहाँ पे डायग्राम है जिसके अंदर ये यहाँ पे सेप्टम नजर आ रहे हैं हमें। ठीक है, ये कैसे हैं, ये क्या है, सेप्टम है एंड इसके अंदर क्या कंडीशन होती है, यहाँ पे मोनोकैरियोटिक होता है, हाईलाइन होता है ये एंड इसके अंदर प्लस और माइनस स्ट्रेन दोनों ही प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन आइदर प्लस होगी या फिर माइनस होगी, दोनों नहीं होगी, आइदर प्लस और माइनस हो सकती है। The cells contain oil globules and vacuoles. इसके अलावा इसके अंदर oil droplets and vacuoles भी present होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे, oil droplets and vacuoles भी होंगे। oil droplets क्या होंगे, इसके एक तरह से हम बोल सकते हैं कि रिजर्व फूड होगा इसके अंदर। प्राइमरी माइसीलियम इज शॉर्ट लिव्ड, ये शॉर्ट लिव्ड होता है एंड गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इंटू डाइकैरियोटिक सेकेंडरी माइसीलियम बाय सोमेटोगेमी। बेसिडियो स्पोर से, ठीक है, बेसिडियो कार्प से बेसिडियो स्पोर बनेंगे एंड उन बेसिडियो स्पोर से यहाँ पे प्राइमरी माइसीलियम बनेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या था, बेसिडियो कार्प था यहाँ पे, बेसिडियो कार्प क्या गिव राइज करता है, बेसिडियो स्पोर, बेसिडियो स्पोर से गिव राइज करता है एंड इन बेसिडियो स्पोर्स की जब जर्मिनेशन होगी तो यहाँ पे प्राइमरी माइसीलियम बनेगा एंड ये प्राइमरी माइसीलियम शॉर्ट लिव्ड होता है, ये फिर बाद में क्या करता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है सेकेंडरी माइसीलियम के अंदर। प्राइमरी माइसीलियम मोनोकैरियोटिक होता है व्हाइल सेकेंडरी माइसीलियम इज डाइकैरियोटिक। ठीक है, कैसा होगा, डाइकैरियोटिक होगा। अब ये जो प्राइमरी माइसीलियम से सेकेंडरी माइसीलियम के अंदर ट्रांसफर होता है ये किसके थ्रू होता है, ये होता है सोमेटोगेमी के थ्रू।
ठीक है, इसके अंदर जो यहाँ पे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर फ्यूज करते हैं, जो उनकी न्यूक्लियाई आपस में पास पास आएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन जाएगा। इट इज लॉन्ग लिव्ड एंड अबंडेंट। जो सेकेंडरी माइसीलियम, क्या जैसे प्राइमरी माइसीलियम देखा था, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, एंड सेकेंडरी माइसीलियम कैसा होता है, लॉन्ग लिव्ड होता है, ज्यादा टाइम तक ये सर्वाइव करता है, एंड अबंडेंट होता है, बहुत ज्यादा नंबर में होता है। द सेकेंडरी माइसीलियम इज फॉर्म्ड ड्यू टू फ्यूजन ऑफ टू प्राइमरी माइसीलिया ऑफ अपोजिट स्ट्रेन। दो अपोजिट स्ट्रेन के, लाइक एक यहाँ पे प्लस स्ट्रेन होगा, एक यहाँ पे माइनस स्ट्रेन होगा, इन दोनों स्ट्रेन के, अपोजिट स्ट्रेन के हाइफे, या फिर हम बोल सकते हैं माइसीलिया या फिर माइसीलियम, ये क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, यानी कि सोमेटोगैमी करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे सेकेंडरी माइसीलियम फॉर्म होगा। तो ये माइसीलियम की बात होगी, यहाँ पे एक प्राइमरी माइसीलियम होता है, एक सेकेंडरी माइसीलियम होता है। प्राइमरी माइसीलियम बेसिडियोकार्प से बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, बेसिडियोस्पोर्स की जर्मिनेशन के बाद प्राइमरी माइसीलियम बनेगा, एंड ये प्राइमरी माइसीलियम शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़े टाइम बाद ये ट्रांसफर हो जाता है सेकेंडरी माइसीलियम के अंदर, जो कैसा होगा, डाइकैरियोटिक होगा, एंड ये किसके थ्रू फ्यूज होगा, सोमेटोगैमी के थ्रू फ्यूज होगा। सोमेटोगैमी के अंदर क्या होगा, जो हाइफे होंगे या फिर माइसीलियम होगा, वो पास पास आएगा, वो फ्यूज करेगा, तो जो दो अपोजिट स्ट्रेन की न्यूक्लियाई थी, प्लस और माइनस की, वो क्या कर जाएंगी, वो पास पास आ जाएंगी, एंड ये डाइकैरियोटिक कंडीशन फॉर्म करेंगी, लाइक ये डाइकैरियोटिक हाइफा हो गया यहाँ पे, ठीक है, सेप्टेट है ये भी, एंड इसके अंदर ये डाइकैरियोटिक हाइफा है, तो इसके अंदर ये दो न्यूक्लियाई होती है। The cells are binucleate and communicate with one another by means of central pore in the septum called dolipore septum. अब सेकेंडरी माइसीलियम हमने देख लिया, सेकेंडरी माइसीलियम की जो साइटोप्लाज्म है इसका, वो कम्युनिकेट करता है। फर्स्ट हमने देखा कि ये बाइन्यूक्लियेट कंडीशन होती है, एंड इनका साइटोप्लाज्म कम्युनिकेट करता है। कैसे कम्युनिकेट करता है, लाइक ये एक हाइफा हो गया, हाइफे के अंदर सेप्टम भी होंगे, तो ये सेप्टम के अंदर क्या होगा, यहाँ पे सेप्टल पोर्स होंगे, पहले भी हमने कई बार बात की है, सेप्टल पोर्स होंगे, इन सेप्टल पोर्स के थ्रू ये जो यहाँ पे ये न्यूक्लियाई होगी, लाइक ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, यानी कि फ्रीली ये एक दूसरे से कम्युनिकेट या फिर ट्रांसफर यहाँ से मूवमेंट हो सकती है। तो ये जो सेप्टम होता है यहाँ पे इन डाइकैरियोटिक माइसीलियम के अंदर, इस सेप्टम को डोली पोर सेप्टम बोलते हैं। लाइक यहाँ पे ये हो गया, ये जो है ये वॉल हो गई, सेल वॉल हो गई, ये पोर हो गए यहाँ पे, ये सेप्टम हो गया यहाँ पे, एंड इसको डोलियोपोर बोलेंगे, ठीक है, इसको डोलियोपोर सेप्टम बोलेंगे। In case opening in the septum is guarded by parenchyma on both the sides. इसके अलावा ये septum की जो opening है वो guard की जाती है, ठीक है, opening guard की जाएगी, like ये यहाँ पे ये septum हो गए और ये pore हो गए, यहाँ से transfer होगा, and ये guard की जाती है, ये गार्ड की जाती है यहाँ पे पेरिंथोसोम के थ्रू, ठीक है, पेरिंथोसोम यहाँ पे होगा दोनों साइड में, ठीक है, पेरिंथोसोम यहाँ पे दोनों साइड में होगा, लाइक ये ब्लू कलर का नजर आ रहा है, ये दोनों साइड से क्या करेगा, यहाँ पे दोनों साइड से सेप्टम को गार्ड करके रखेगा, इसकी ओपनिंग को गार्ड करके रखेगा। द हाइफे ऑफ सेकेंडरी माइसीलियम ट्विस्ट टुगेदर टू फॉर्म वाइट हाइफल कोर्स कॉल्ड राइजोमोर्फ। इसके अलावा ये राइजोमोर्फ भी बनाते हैं, ये सेकेंडरी माइसीलियम के जो हाइफे होते हैं, वो हाइफे क्या कर जाते हैं, ट्विस्ट कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे ट्विस्ट कर जाएंगे, एंड इस ट्विस्ट करने की वजह से ये एक वाइट हाइफल कॉर्ड बना लेंगे, जैसे कि रस्सी होती है उसके अंदर उसके कॉर्ड्स जो है वो ट्विस्ट किए हुए होते हैं, वैसे ही इसके अंदर क्या होगा, ये हाइफे आपस में ट्विस्ट करके हाइफल कॉर्ड बना लेंगे, जिसको राइजोमोर्फ बोला जाता है, ठीक है, इस कॉर्ड को राइजोमोर्फ बोला जाता है। Which finally form the fruiting bodies or basidiocarp. And finally ये secondary mycelium के hyphae twist करके cord बना के ये बनाते हैं fruiting bodies, जिनको basidiocarps बोला जाता है, ठीक है, ये क्या बनाएंगे, basidiocarps बनाएंगे। These fruiting bodies are formed at the tips of hyphae of the circular colony forming fairy rings. ठीक है, ये एक circular colony हमें नजर आ रही है, ठीक है, एक सर्कुलर कॉलोनी है, इसको ही फेरी रिंग्स बोलते हैं, ठीक है, इसको ही फेरी रिंग बोलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
कई बार शॉर्ट नोट के अंदर या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है व्हाट इज फेरी रिंग या फिर व्हाट आर फेरी रिंग्स, ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता रहा है। तो ये जो फ्लोटिंग बॉडीज थी फॉर्मड एट द टिप्स ऑफ हाइफे, जो कि हाइफे की टिप के ऊपर बनी थी, ऑफ द सर्कुलर कॉलोनी फॉर्मिंग अ फेरी टेल, ये क्या बना लेंगे, फेरी टेल बना लेंगे। Process is further repeated with the further growth of the hyphae, which lead to widening of the circles of the basidio carp. And जो basidio carp होंगे, उनके जो circles होंगे, वो क्या होते जाएंगे? वो circles बड़े होते जाएंगे and ये process repeated होती जाएगी। अगर हम fairy ये fairy ring का diagram देखें, तो fairy ring जो है, ये एक fairy ring की picture है, ऐसे नजर आती है, ठीक है? ये जो इसकी कॉलोनी है पूरी की पूरी, ये ऐसे अपने इसने खुद को एक रिंग के अंदर अरेंज कर लिया। तो ये होता है यहाँ पे सेकेंडरी माइसीलियम के बाद, ठीक है। प्राइमरी माइसीलियम हो गया जो कि बेसिडियोस्पोर से बना था, बेसिडियोस्पोर से प्राइमरी माइसीलियम, प्राइमरी माइसीलियम से सेकेंडरी माइसीलियम, एंड सेकेंडरी माइसीलियम के जो हाइफे होंगे वो ट्विस्ट करके कॉर्ड बनाएंगे, जिनको राइजोमोस बोला गया था, एंड ये क्या बना देंगे, यही फ्यूचर में जाके यहाँ पे बेसिडियो कार्प्स और फ्लोटिंग बॉडीज बनाएंगे। इसके बाद इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इट टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ क्लेमाइडोस्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर्स की हेल्प से होगी। टिपिकल ओइजिया मे ऑल्सो बी फॉर्म्ड विच जर्मिनेट टू गिव राइज माइसीलियम, या तो इसके अंदर क्लेमाइडोस्पोर्स बन सकते हैं या तो इसके अंदर ओइडिया बन सकते हैं, इनके थ्रू इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। बहुत ही सिंपल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सेकंड इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूजली हेट्रोथेलिक होते हैं ये, सोमेटिक हाइफे जिसके अंदर प्राइमरी माइसीलिया एंड विद प्लस एंड माइनस स्ट्रेन के हो सकते हैं, ये फ्यूज करेंगे। सोमेटिक हाइफे हमने देखा था, ये फ्यूज करेंगे तभी जाके क्या बनेगा, यहाँ पे सेकेंडरी माइसीलियम बनेगा। तो यूजली हेट्रोथेलिक होते हैं, इसके अंदर प्लस और माइनस दोनों ही स्ट्रेन देखने को मिलती है। द इंटरवीनिंग वॉल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डिजोल्व, एंड ये जो इंटरवीनिंग वॉल होगी, इंटरवीनिंग वॉल से मीनिंग है ये जो हाइफे थे, ये माइनस का था, ये प्लस का था, ये यहाँ पे फ्यूज कर गए हैं। फ्यूज करने के बाद ये जो वॉल है, ये इंटरवीनिंग वॉल है, ये क्या कर गई यहाँ पे, ये वॉल भी डिजोल्व हो गई है, वॉल यहाँ से डिजोल्व हो गई है। The pair of the nuclei in fission cell formed due to the process of plasmogamy constitute dikaryon. Plasmogamy के अंदर क्या होगा? जो opposite strain की nuclei है वो पास पास आएंगी, वो close together आएंगी, तो यहाँ पे ये क्या बना लेंगी? Dikaryon बना लेंगे। एक फंजाई के अंदर हमने देखा ये कि इसके अंदर जब प्लाज्मोगैमी होती है उसका प्रोडक्ट डाइकैरियन होता है, देन इसके अंदर कैरियोगैमी होती है, देन मियोसिस होती है इसकी लाइफ साइकिल के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो न्यूक्लियाई है इन फ्यूजन सेल, इस फ्यूजन सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियाई है, यहाँ पे जो न्यूक्लियाई है किसकी वजह से बनी है, ये प्लाज्मोगैमी की वजह से बनी है, एंड ये डाइकैरियन कंस्टिट्यूट करती है। Dikaryotic cell formed due to plasmogamy develop into dikaryotic mycelium by successive divisions. अब इसके अंदर divisions होंगे, एक के बाद एक division होंगी, successive divisions होंगी, उन division की वजह से ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा secondary mycelium, ठीक है, secondary mycelium बन जाएगा। Both the nuclei of dikaryotic cell divide synchronously and form four haploid nuclei. ठीक है, ये एक sink के अंदर यानी one by one ये क्या करेंगी, fuse करेंगी, one by one ये क्या करेंगी यहाँ पे divide करेंगी, ठीक है, divide करेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे four haploid nuclei बन जाएंगे। Like ये nuclei थे यहाँ पे, ये divide कर रही है यहाँ, ये डिवाइड करके क्या बना लेगी यहाँ पे, ये डिवाइड की और ये प्रोसेसेस यानी चलती जा रही है, ये कैसे बना लेगी, लास्ट में फोर हैप्लोइड न्यूक्लियाई बना लेंगे। लाइक पहले डाइकैरियोटिक कंडीशन थी, उसके अंदर डाइकैरियोटिक कंडीशन के अंदर ये डिवाइड करेंगे न्यूक्लियाई एंड ये हैप्लोइड फोर न्यूक्लियाई बना लेंगे। आफ्टर ऑफ दिस टू आर ऑफ माइनस स्ट्रेन एंड रिमेनिंग टू आर ऑफ प्लस स्ट्रेन, इनमें से लाइक ये जो डार्क वाला था वो क्या था, प्लस स्ट्रेन था, तो डार्क वाला यहाँ पे ये जो है प्लस होगी, ये प्लस हो गई, सेकंड ये माइनस होगी एंड ये माइनस होगी, तो दो प्लस स्ट्रेन की होगी, दो माइनस स्ट्रेन की होगी फोर हैप्लोइड न्यूक्लियाई में से। टू ऑफ दीज, वन ऑफ प्लस स्ट्रेन एंड वन ऑफ माइनस स्ट्रेन इज ट्रांसफर टू द डॉटर सेल बाई क्लैंप फॉर्मेशन, इसके बाद इसके अंदर क्लैंप फॉर्मेशन होगी, ठीक है,
क्लैम्प फॉर्मेशन होगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। इसके अंदर क्लैम्प फॉर्मेशन होगी। क्लैम्प फॉर्मेशन कैसी होगी? वन ऑफ द प्लस स्ट्रेन एंड वन अदर ऑफ द माइनस स्ट्रेन ये एक डॉटर सेल के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएंगी। एंड डॉटर सेल के अंदर ट्रांसफर करने के बाद, लाइक यहाँ पे अगर हम देखें, एक प्लस है एक माइनस है, तो डॉटर सेल के अंदर ट्रांसफर करने के बाद ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये एक डॉटर सेल बना लेंगे। एंड ये किसके थ्रू होगा? क्लैम्प फॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये हेट्रोथेलिक होते हैं, एंड इसके अंदर क्या होता है, सोमेटिक हाइफे जो होते हैं वो फ्यूज करते हैं, अपोजिट स्ट्रेन के फ्यूज करते हैं। प्लाज्मोगैमी होती है, प्लाज्मोगैमी की वजह से यहाँ पे डाइकैरियन बनता है। इस डाइकैरियन के अंदर क्या होगा, अब सक्सेसिव डिवीजन होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे डाइकैरियोटिक सेल की जो न्यूक्लियाई है वो डिवाइड करेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे फोर हैप्लोइड न्यूक्लियाई बन जाएगी, जिसमें से दो प्लस स्ट्रेन की होंगी, दो यहाँ पे माइनस स्ट्रेन की होंगी। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे डॉटर सेल बनेगी। डॉटर सेल के अंदर क्या होगा, एक माइनस स्ट्रेन होगा, एक प्लस स्ट्रेन होगा, अपोजिट स्ट्रेन की इनमें से एक एक चली जाएगी, एंड डॉटर सेल बन जाएगी क्लैम्प फॉर्मेशन के। इसके बाद अगर हम बेसिडियो कार्प देखें डिटेल के अंदर, तो बेसिडियो कार्प इज फॉर्म फ्रॉम द सेकेंडरी या फिर डाइकैरियोटिक माइसीलियम। हमने देख लिया कि सेकेंडरी या फिर डाइकैरियोटिक माइसीलियम के जो हाइफे होते हैं वो ट्विस्टिंग करते हैं, उसकी वजह से ये बेसिडियो कार्प बनते हैं। बिगनिंग एज टाइनी नोट ऑफ द हाइफल सेल, हाइफल सेल की एक टाइनी नोट बनेगी, यानी कि एक छोटी सी गांठ बनेगी। इट इवेंचुअली डिवेलप इनटू स्मॉल ग्लोबोस। एंड ये जो यहाँ पे लाइक यहाँ पे ये हाइफे थे, एंड यहाँ पे एक हम बोल सकते हैं कि एक छोटी सी नोट बन गई, एक छोटी सी गांठ बन गई है। एंड ये जो स्ट्रक्चर होगा, एक स्मॉल ग्लोबोस बन जाएगा। इसके बाद ग्लोबोस और ओवॉइड बॉडी, जिसको बटन स्टेज बोलते हैं, ठीक है, इसको ही बटन स्टेज बोला जाता है। A longitudinal section of button stage shows differentiation into bulbous basal. अब अगर इस button stage का हम longitudinal LS section cut करके देखते हैं, तो एक तो हमें bulbous basal part नजर आता है, representing immature stage of stroke region. ठीक है, stroke region की immature stage नजर आती है. And hemispherical upper part designed to form caps or pilus. ऐसे जो इसका hemisphere, upper hemisphere part होता है, ठीक है, और ये ऐसे होती है, मशरूम कोई भी कॉमनली ऐसे होती है। तो एक ये इसका अपर हेमिस्फीयर पार्ट हो गया, और एक ये स्ट्रोक रीजन हो गया। तो यहाँ पे अगर इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करके देखते हैं बटन स्टेज का, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन देखने को मिलती है। एक यहाँ पे बल्बस स्टेज बेसल पार्ट होता है, ठीक है, एक तो यहाँ पे होगा बल्बस पार्ट, एक यहाँ पे होगा बल्बस बेसल पार्ट, जो कि इमेच्योर स्टेज ऑफ स्ट्रोक रिप्रेजेंट करेगा। एंड एक होगा हेमिस्फेरिकल अपर पार्ट, जो कि कैप ऑफ द पाइलियस फॉर्म शो करेगा, ठीक है। ये जो है, अगर हम इसका इस सेक्शन में, ये जो अपर वाला पार्ट है, ये यहाँ पे पाइलियस होता है, ये इसके अंदर कुछ गिल्स चैम्बर्स होते हैं, एंड ये सेंटर में स्ट्राइप होता है, जो कि इमेच्योर स्टेज होती है स्ट्रोक। तो ये देखने को यहाँ पे नजर आते हैं। गिल्स आर फॉर्म्ड ऑलरेडी इनसाइड द बटन मशरूम। एंड यहाँ पे क्या होते हैं, गिल्स फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है, ये गिल्स फॉर्म्ड होते हैं, यहाँ पे गिल चैम्बर हो गए, एंड यहाँ पे गिल्स फॉर्म होते हैं बटन स्टेज के अंदर, ऑलरेडी स्टेज के अंदर फॉर्म हो जाते हैं। द मार्जिन ऑफ यंग पाइलियस इज कनेक्टेड टू द स्टाइप बाय अ मेम्ब्रेनस कवरिंग कार्ड इनर वे। इसके अलावा ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो स्टाइप है, सेंटर वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे स्टाइप, इस स्टाइप से जो ये यंग पाइलियस होता है, ये कनेक्ट होता है। ये कैसे कनेक्ट होता है, एक मेम्ब्रेनस कवरिंग, जिसको इनर वेल बोलते हैं, ठीक है, इनर वेल के थ्रू ये क्या होता है, यहाँ पे इससे कनेक्टेड होता है। द यंग पाइलियस इनक्लोज्ड अ कैविटी, गिल कैविटी, जिसको प्री लैमिलर चैम्बर बोलते हैं, ठीक है, गिल कैविटी ये कंटेन करता है, जिसको प्री लैमिलर चैम्बर बोला जाता है। फ्रॉम रूफ ऑफ द टिश्यू ऑफ कैविटी नंबर ऑफ वर्टिकल प्लेट्स गिल्स और लैमिले डिवेलप। अगर हम इसकी रूफ टिश्यू ऑफ कैविटी से देखें, तो यहाँ पे कुछ वर्टिकल प्लेट्स, जैसे कि गिल और लैमिले डिवेलप होते हैं।
they may be normal half or quarter in size and their number vary from 300 to 600 in gill lamellae ka ya fir hum bol sakte hain simple gill ya fir lamellae ka number itna hota. The growth of basidiocarp is very rapid and with expansion of pilus and whale tears. अब इसके बाद ये pilus क्या करेगा? ये expand होता जाएगा. And इसकी वजह से ये जो stipe और इन इस pilus के बीच में जो connection था, ठीक है, whale था, वो क्या हो जाएगा? Tear off हो जाएगा. यहाँ से वो fall off हो जाएगा. This remains attached to the stipe in form of annulus and एक ring की form में ही अटैच रहेगी. जैसे ऐसे ring होगी, सिर्फ ये ऐसे ही अटैच होगी, बाकी जगह से ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिटैच हो जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं ये जो whale थी वो tear off हो जाएगी. तो इस वे में एक ये हम बोल सकते हैं umbrella like structure यहाँ पे बन जाता है basidio का. इसके बाद इसके अंदर बेसिडियो कार्प की जो स्टेजेस है डिवेलपमेंट की, स्टेजेस के अंदर अगर हम देखें, सबसे पहले यहाँ पे क्या था, हाइफल नोट बनी थी. वेरी फर्स्ट यहाँ पे हाइफल नोट फॉर्म हुई थी, ठीक है. वेरी फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे हाइफल नोट बनेगी, ठीक है. ये हाइफल नोट यहाँ पे बनी, इससे फिर ये बटन स्टेज आई, ठीक है. बस बटन स्टेज आएगी, देन इस ये प्री लैमिनर चैम्बर हो गई इसके अंदर ये, ठीक है. एंड यहाँ पे फिर फ्यूचर पाइलियस बना, ठीक है. फ्यूचर पाइलियस बना, ये प्राइमोर्डियम है गिल के. फ्यूचर स्टाइप स्ट्रोक ये हो गई, फ्यूचर स्टाइप स्ट्रोक हो गई. इसके बाद नेक्स्ट प्री लैमिनर चैम्बर बना यहाँ पे, ठीक है. प्री लैमिनर चैम्बर होगा ये गिल के, प्राइमोर्डियम हो गए. यहाँ पे ये पार्शियल वेल होता है, ठीक है. पार्शियल वेल है यानी कि सिर्फ कुछ हद तक ही वेल बची है, बाकी यहाँ पे टीयर ऑफ होती जा रही है. एंड ये फिर स्टाइप बन गई है, ये यहाँ पे राइजोमॉर्फ बन गया है, जो नीचे के स्ट्रक्चर होते हैं. एंड ऊपर ये पाइलस बन गया, एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो गया है. एंड इसके बाद ये स्टाइप या फिर स्ट्रोक हो गई, ये यहाँ पे एनुलस नजर आ रहा है, ये गिल्स हो गई इसके, ये पाइलस हो गया. एंड फर्दर से ये क्या कर देगी, ये बटन स्टेज या फिर बेसिडियो स्पोर्स गिव राइज कर देगी. तो इस वे में बेसिडियो कार्प की डिवेलपमेंट होती है. एक गिल और लैमिला और हाइमिनोफोर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू थ्री पार्ट्स. अब इसके अंदर के स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर जो गिल और लैमिला की हमने बात की थी, ये या फिर इसको हाइमिनोफोर बोला जाता है, इसको तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है. इन तीन पार्ट में से एक होता है ट्रेमा, जिसको मेडुला बोला जाता है. अब हम कोई भी अगर जनरल स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसके अंदर ये अंदर वाला मेडुला होता है, बाहर वाला कोर्टेक्स होता है. तो हम बात कर रहे हैं इस मेडुला की, यानी कि स्ट्रेमा की. तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे इट इज सेंट्रल स्ट्राइल पार्ट ऑफ द गिल एंड मेड अप ऑफ लूजली और पैरेलल अरेंज्ड इंटरवोवन हाइफे, यानी कि आपस में ऐसे इंटरवोव हो गए, ये गुथे हुए हैं, वैसे ही हाइफे यहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है. तो ट्रेमा या फिर मेडुला क्या होगा, सेंट्रल स्ट्राइल पार्ट होता है गिल का, ठीक है. गिल का क्या होगा, सेंट्रल स्ट्राइल पार्ट होगा, जिसके अंदर यहाँ पे पैरेलल अरेंज्ड लूजली और पैरेलल अरेंज्ड इंटरवोवन हाइफे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. बहुत सारे इंटरवोवन हाइफे यहाँ पे देखने को मिले. सब हाइमिनियम या फिर हाइपोथीसियम, इसके बाद ये जो पोर्शन था ये सेंटर वाला हो गया, जिसकी स्ट्राइल थे, जिसको मेडुला बोला गया है. इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है सब हाइनियम या फिर हाइपोथीसियम, इसको बोला जाता है. द हाइफे फॉर्मिंग द ट्रेमा गिव्स ऑफ शॉर्ट लेटरल ब्रांचेस ऑन बोथ साइड्स टू फॉर्म सब हाइमिन. अब इसके बाद क्या होगा, जो हाइफे ट्रेमा बना रहे हैं, जिन हाइफो ने ट्रेमा बनाया यहाँ पे, वो शॉर्ट लेटरल ब्रांचेस गिव राइज करते हैं दोनों साइड में ही, जो क्या फॉर्म करते हैं, सब हाइनियम फॉर्म करते हैं, ठीक है. ये क्या बनाएंगे, सब हाइनियम बना देते हैं. थर्ड वन इज द हाइनियम और थीसियम, ठीक है. ये हाइपोथीसियम था, ये थीसियम हो जाएगा. इसके अंदर क्या होगा, हाइमेनियम इज मेड अप ऑफ क्लोजली पैक्ड पैलिसेड लाइक लेयर ऑफ क्लब शेप सेल्स, जिनको बेसिडिया बोला जाता है. ये सेल यहाँ पे जो नजर आ रही है हमें, पैलिसेड एक पैरेलल अरेंजमेंट के अंदर, यानी कि वन बाई वन हम बोल सकते हैं कि वन बाई वन ये फैशन के अंदर प्रेजेंट है. तो क्लोजली पैक्ड पैलिसेड लाइक लेयर होती है क्लब शेल्स की, जिनको बेसिडिया बोला जाता है. सिंगुलर इसको बेसिडियम बोला जाता है. बेसिडिया आर नॉन सेप्टेट, एंड ये बेसिडिया नॉन सेप्टेट होते हैं, एंड बेसिडियो स्पोर्स प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है. देखो इनके टिप के ऊपर, इनके टिप के ऊपर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं बेसिडियो स्पोर्स, ठीक है. टिप्स के ऊपर बेसिडियो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. स्ट्राइल हाइफे
पैराफाइसिस और सिस्टीडिया एयर इंटरमिंगल्ड विद बिसीडिया, यानी इनके साथ जो भी स्ट्राइल हाइफे थे वो सारे क्या हो जाते हैं, इंटरमिंगल्ड हो जाते हैं। दे गिव सपोर्ट टू बिसीडिया, बिसीडिया को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, एंड इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी टू द हाइमेनियम, हाइमेनियम को इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे गिल और लैमिले का टीएस पोर्शन, ठीक है। ये क्या होगा, टीएस पोर्शन, जिसके अंदर ये इंटरवोवन हाइफे प्रेजेंट है जो कि स्ट्राइल है, जिनको मेड्यूला या ट्रैमा बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पे होते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे होते हैं हाइमेनियम या फिर सब हाइमेनियम या फिर हाइपोथीसियम। इसके बाद हाइमेनियम और थीसियम होते हैं जो कि पैलिसेड अरेंजमेंट के अंदर होते हैं, एंड ये क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, एंड ये बेसिडियोस्पोर्स गिव राइज करते हैं। इसके अलावा ये पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, इंटरमिंगल्ड होते हैं, जो कि इलास्टिसिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। द यंग बेसिडियम इज डाइकैरियोटिक, ठीक है। अब सेकेंडरी माइसीलियम से ये बना था, तो ये यंग बेसिडियम जो होगा वो कैसा होगा, डाइकैरियोटिक होगा, एंड बियर टू न्यूक्लियाई ऑफ अपोजिट स्ट्रेन। एंड ये क्या है, डाइकैरियोटिक है, तो ये प्लस और माइनस अपोजिट स्ट्रेन की न्यूक्लियाई कंटेन करता है। कैरियोगैमी अकर्स बाय फ्यूजन ऑफ दीज न्यूक्लियाई एंड डिप्लोइड सिंकैरियोन इज फॉर्म्ड। इसके बाद कैरियोगैमी होगी, कैरियोगैमी से यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद फ्यूजन हो जाएगा, कैरियोगैमी से फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन के बाद यहाँ पे डिप्लोइड सिंकैरियोन बन जाएगा, ठीक है। डिप्लोइड सिंकैरियोन कंडीशन यहाँ पे बन जाएगी। इट अंडरगोस मियोसिस टू फॉर्म फोर हैप्लोइड न्यूक्लियाई, एंड इसके बाद मियोसिस होगी, लाइक पहले प्लाज्मोगैमी हुई थी, देन कैरियोगैमी हुई, देन मियोसिस हो गई, जो कि यहाँ पे फोर हैप्लोइड न्यूक्लियाई फॉर्म कर देगी। द पैस लाइक आउट ग्रोथ, जिसको स्टेरिग्मेटा बोला जाता है, अपीयर एट द टॉप ऑफ द बेसिडियम, बेसिडियम के टॉप पे ये नजर आएंगे, ठीक है। एक पैग लाइक आउट ग्रोथ होंगी, जिनको स्टेरिग्मेटा बोला जाता है। लाइक ये स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये ट्रैमा होता है, सब हाइमेनियम होते हैं, एंड इसके बाद ये नेक्स्ट यहाँ पे बेसिडिया होते हैं या फिर बेसिडियम होते हैं, इनके ऊपर, इन बेसिडियम के ऊपर यहाँ पे बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। तो इन, ये क्या है, पूरी की पूरी हाइमेनियम है, जिसके अंदर ये बेसिडियम, ये यहाँ पे इसका स्टेरिग्मेटा होता है, एंड ये बेसिडियोस्पोर्स इसकी टिप के ऊपर होते हैं। द टिप ऑफ ईच स्टिग्मेटा स्वेल अप टू फॉर्म बेसिडियोस्पोर, एंड इसकी जो टिप होगी, ठीक है, ये एक अलग से पोर्शन, ये क्या होगा, स्टिग्मेटा होगा, एंड इसकी जो टिप होगी, उस टिप के ऊपर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, उस टिप के ऊपर होते हैं यहाँ पे बेसिडियोस्पोर्स। ईच माइन्यूट बेसिडियोस्पोर इज सीटेड ऑब्लिकली एट द टॉप ऑफ स्टिग्मा विद अ स्पोर पॉइंटेड विद माइन्यूट प्रोजेक्शन, जिसको हाइलर अपेंडिक्स बोला जाता है, ठीक है। ये जो मेच्योर बेसिडियोस्पोर, मेच्योर होने के बाद ये क्या होंगे, टॉप ऑफ स्टिग्मा के ऊपर होंगे, एंड एक इनके अंदर स्पोर पॉइंटेड होता है, माइन्यूट प्रोजेक्शन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद बेसिडियोस्पोर्स बन गए हैं, देन इनके अंदर स्पोर डिस्पर्सल कैसे होगा। व्हेन बेसिडियोस्पोर मैच्योर अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड अपीयर्स एट हाइलर अपेंडिक्स, ठीक है। प्रोजेक्शन जो होगी उसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पे उस प्रोजेक्शन के ऊपर एक लिक्विड, ड्रॉप ऑफ लिक्विड अपीयर होगी हाइलर अपेंडिक्स के ऊपर, विच रिमेन्स सराउंडेड बाई लिमिटिंग मेम्ब्रेन। अब ये क्या होगी, लिमिटिंग मेम्ब्रेन से सराउंड होगी। The drop gradually increase in size and attain a size of about 1/5 of the basidiospore. And basidiospore से भी ये 5 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी साइज के अंदर, एंड उसके बाद एट दिस स्टेज बेसिडियोस्पोर इज शॉर्ट ऑफ द स्टिग्मा परपेंडिकुलरली टू द गिल सरफेस। अब ये क्या होगा, ये इससे हम बोल सकते हैं इससे ब्रेक हो जाएगा, इस स्टेज के ऊपर ये शॉर्ट ऑफ हो जाएगा स्टिग्मा से, ठीक है, स्टिग्मेटा से या फिर स्टिग्मा से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट ऑफ हो जाएगा, एंड ये गिल सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली चला जाएगा। इट ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जैसे कि स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा था, ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर था, स्टिग्मेटा हो गया, इसके ऊपर ये बेसिडियो स्पोर्स हो गए, ठीक है। तो ये जब ये नीचे गिरेंगे तो ये क्या होंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड्स बिटवीन द गिल्स इनटू द एयर बिलो द पाइलस, ये क्या हो जाएंगे, ऐसे वर्टिकली नीचे की तरफ गिरेंगे, एंड ये गिल्स के बिटवीन चले जाएंगे इनटू द एयर बिलो द पाइलस After filing on a stable subtractum. अब लाइक ये जो है बेसिडियोस्पोर एक स्टेबल subtractum के ऊपर गिर गया है,
बेसिडियो स्पोर जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट कैसे होंगे, जर्म ट्यूब के थ्रू होंगे जो कि मोनोकैरियोटिक प्राइमरी माइसीलियम गिव राइज कर देगा। स्टार्टिंग में हमने यही डिस्कस किया था कि जो बेसिडियो स्पोर्स होते हैं वो प्राइमरी माइसीलियम गिव राइज करते हैं जर्मिनेशन के बाद। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पहले बेसिडियो स्पोर्स जो है वो मेच्योर होंगे, मेच्योर होने के बाद यहाँ पे एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड जो है वो अपीयर होगी जो हाइलर अपेंडिक्स है उसकी टिप के ऊपर, एंड ये एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन से सराउंड रहेगा। देन इसका साइज जो है वो 5 गुना ज्यादा हो जाएगा एंड ये इतना हैवी हो जाएगा जिसकी वजह से ये बेसिडियो स्पोर्स क्या हो जाएंगे, शॉर्ट ऑफ हो जाएंगे स्ट्रिग्मा से। शॉर्ट ऑफ होने के बाद ये चले जाएंगे ये जाएंगे वर्टिकली नीचे की तरफ जाएंगे, एंड अगर इनको स्टेबल सबट्रैक्टम मिल जाता है, स्टेबल सबट्रैक्टम मिलने के बाद ये क्या करेंगे, जर्म ट्यूब प्रोड्यूस करेंगे एंड जर्मिनेट करके ये प्राइमरी माइसीलियम फॉर्म कर देंगे। प्राइमरी माइसीलियम ट्रांसफर हो जाता है अगेन सेकेंडरी माइसीलियम के अंदर, एंड ये लाइफ साइकिल इनकी चलती रहती है। तो लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है लाइफ साइकिल की, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट ये मेच्योर स्टेज हम बोल सकते हैं। इसके अंदर पाइलस हो गया, गिल्स हो गए, विलम हो गए, स्टॉक हो गई, स्टाइप हो गई। इसके अंदर ये पाइलस के अंदर ये स्ट्रक्चर हो गया जो कि हमने बात की थी कि गिल्स इसके अंदर होते हैं, गिल चैम्बर होते हैं। इसके बाद ये बेसिडियम हो गया, यहाँ पे ये ट्रेमा हो गया यानी कि मेडुला हो गया सेंटर वाला, इसके एंड पे यहाँ पे बेसिडियो स्पोर्स होते हैं, एंड इसके बाद ये यहाँ से क्या हो गया बेसिडियो, अगर बेसिडियो स्पोर्स की बात करें ये गए, फिर इनके अंदर ये कैरियोगैमी होगी, देन यहाँ पे मियोसिस होगी, हैप्लोइड न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हो जाएंगी, 4 हैप्लोइड न्यूक्लियाई होंगी। इसके बाद यहाँ पे टिप के ऊपर बेसिडियो स्पोर्स, ठीक है, टिप के ऊपर बेसिडियो स्पोर्स दिखेंगे, एंड ये बेसिडियो स्पोर्स क्या होंगे, ये जो है ये धीरे धीरे करके इनके अंदर क्या होगा, अब यहाँ पे ये नीचे की तरफ आ जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट हुई है, वाटर ड्रॉपलेट के थ्रू ये नीचे आ जाएंगे, देन इनके अंदर जर्मिनेशन होगी, ये जर्म ट्यूब हो गई एंड ये प्राइमरी माइसीलियम गिव राइज करेंगे। देन इसके अंदर ये अलग अलग स्टेजेस है जिसके थ्रू यहाँ पे क्या हुआ था, जो यहाँ पे बेसिडियो कार्प था उस वो डिवेल्प हुआ था एंड अगेन ये मेच्योर फॉर्म कर लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये बेसिडियो कार्प था, ये गिल्स का टीएस हो गया, इसके बाद ये एक बेसिडियम का पार्ट, ठीक है, बेसिडियम का पार्ट है। इसके बाद यंग बेसिडियम आया, यंग बेसिडियम के अंदर कैरियोगैमी हुई, देन यहाँ पे मियोसिस हुई, मियोसिस के बाद 4 हैप्लोइड न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हो गई, एंड इसके बाद बेसिडियो स्पोर्स बने, बेसिडियो स्पोर्स से यहाँ पे बेसिडियो स्पोर्स शॉर्ट ऑफ हो गए, फॉल ऑफ हो गए, जिसके बाद इसकी जर्मिनेशन होगी, जर्मिनेशन के बाद इसके अंदर यहाँ पे जर्मिनेशन के बाद प्राइमरी माइसीलियम बनेगा, प्राइमरी माइसीलियम के बाद सोमेटोगैमी होगी, ठीक है, प्राइमरी माइसीलियम के अंदर सोमेटोगैमी होगी, सोमेटोगैमी के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, सेकेंडरी माइसीलियम बनेगा जिससे बेसिडियो कार्प बनेगा, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस जो है बेसिडियो कार्प की ये बन जाएगा एंड देन ये अगेन से इसकी लाइफ साइकिल रिज्यूम हो जाएगी। तो ये लाइफ साइकिल हो गई अगैरिकस की। इसके बाद इस लाइफ साइकिल को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर देखें, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो अगर हम बोले यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था, अगर ये हो गया यहाँ पे डाइकैरियोटिक सेल हो गई यहाँ पे, तो ये सेकेंडरी माइसीलियम होगा, इसे इसके अंदर राइजोमोर्फ बने, ठीक है, राइजोमोर्फ से यहाँ पे बेसिडियो कार्प बने, देन यहाँ पे बेसिडिया विद डिप्लोइड न्यूक्लियस बना, देन इसके अंदर मियोसिस हुई जिसकी वजह से ये पॉजिटिव और प्लस और माइनस स्ट्रेन के जो बेसिडियो स्पोर्स है वो बने, जिनकी हेल्प से इन्होंने मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बनाया अपोजिट स्ट्रेन की, इनके अंदर सोमेटोगैमी हुई, ठीक है, ये माइसीलियम कैसा हो गया यहाँ पे, प्राइमरी माइसीलियम हो गया, सोमेटोगैमी हुई जिसकी वजह से डिप्लोडाइजेशन हुई एंड देन डाइकैरियोटिक सेल बनी, देन क्लैम्प कनेक्शन हुआ यहाँ पे एंड अगेन सेकेंडरी माइसीलियम बन गया। तो ये जो है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चलती रहती है, पहले ये प्राइमरी माइसीलियम था या फिर बेसिडियो स्पोर्स से प्राइमरी माइसीलियम बना, देन सोमेटोगैमी हुई, डिप्लोडाइजेशन हुई, डाइकैरियोटिक सेल बनी, क्लैम्प कनेक्शन हुआ यहाँ पे एंड इसके बाद सेकेंडरी माइसीलियम बना, ठीक है, सेकेंडरी माइसीलियम बना या फिर डाइकैरियोटिक माइसीलियम बना, देन इसकी इसके अंदर राइजोमोर्फ होंगे जो कि बेसिडियो कार्प फॉर्म कर देंगे, देन बेसिडिया बनेगा डिप्लोइड न्यूक्लियस के साथ, देन हैप्लोइड न्यूक्लियस इसके अंदर मियोसिस होगी तो ये हैप्लोइड न्यूक्लियस बना देगा जो कि बेसिडियो स्पोर्स होंगे एंड अगेन ये लाइफ साइकिल इसकी चलती रहेगी। तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई।
तो इस वीडियो में हमने इसका सोमेटिक स्ट्रक्चर, अक्रेन सिस्टमेटिक पोजीशन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि क्लेमेडोस्पोर्स या फिर ओइडिया के थ्रू होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर पहले इसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स होते हैं, बेसिडियोस्पोर्स से प्राइमरी माइसीलियम, देन सोमेटोगैमी से सेकेंडरी माइसीलियम बनेगा, एंड इसके बाद सेकेंडरी माइसीलियम से यहाँ पे राइजोमोर्फ बनेंगे, राइजोमोर्फ बनने के बाद यहाँ पे बेसिडियो कार्प, देन बेसिडियो स्पोर्स, एंड अगेन यहाँ पे मोनोकैरियोटिक या फिर प्राइमरी माइसीलियम बनता जाएगा। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट एगैरिकस के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लाइकेंस के बारे में। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नोट्स हैं इस टॉपिक के वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।